हेलो एंड वेलकम। एज वी ऑल नो, आरपीएससी स्कूल लेक्चर की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। सो उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हमारे माइंड में है, मैं उस वीडियो के थ्रू उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन है वॉट टू डू। स्टूडेंट्स के माइंड में ये सबसे पहला कन्फ्यूजन उनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने ही नहीं देता है। दैट इज ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ट्यूटोरियल, नोट्स, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। देन कम्स सेकेंड कन्फ्यूजन, हाउ टू डू, यानी कैसे करें, यानी कौन सा सब्जेक्ट पहले लें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, किसकी फैकल्टी बेस्ट है, एवरीथिंग। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं स्टूडेंट की प्रिपरेशन को। देन कम्स द लास्ट कन्फ्यूजन, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। जब सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं तो सबसे लास्ट में ये कन्फ्यूजन, ये हमें हमारी प्रिपरेशन को शुरू ही नहीं करने देती। यानी हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में लेना है, यानी कहाँ से शुरुआत करनी है। जब शुरुआत ही नहीं होगी तो हम आगे के स्टेप कैसे लेंगे। सो आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू ऑल दीज कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन का सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि हमें हमारा सिलेबस क्लियर होना चाहिए माइंड में। दैट इज हमें हमारा सिलेबस स्टडी करना होगा, देखना होगा कि उनमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स कैसे हमें स्टडी करने हैं। तो ये हमारे माइंड में सबसे पहले क्लियर होगा। सिलेबस क्लियर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे आगे के स्टेप लेने में आसानी होगी। सेकेंड स्टेप है स्ट्रैटेजी। हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। दैट मीन्स ये डिसाइड करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स ईजी हैं, कौन से हार्ड, ईजी टॉपिक, हार्ड टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करना है। उसी के अकॉर्डिंग अब हमें हमारे आगे के एक्शन प्लान बनाने हैं। थर्ड स्टेप है एक्शन प्लान, यानी जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है या जो भी हमारी स्टडी पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्शन प्लान बनाना होगा। एक्शन प्लान यानी हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा, ऐसा टाइम टेबल जो हमें लास्ट तक हमारी प्रिपरेशन में बने रहने में हेल्प करेगा। दैट मीन्स एक मॉडरेट पेस का टाइम टेबल जिसे हम इजीली फॉलो कर सके, क्योंकि अगर रिजिड होगा तो हम जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लास्ट तक एंड तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो हम हमारी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं ले पाएंगे। सो ऐसा एक्शन प्लान जो हमें एंड तक हमारे टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सके। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप, यानी प्रिपरेशन। द फोर्थ स्टेप इज प्रिपरेशन। अब हमें हमारी एक्चुअल स्टडी स्टार्ट करनी है, हमारे टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने हैं, सो डैट, और टाइम शेड्यूल को माइंड में रखते हुए, सो डैट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सके। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप रिविजन। इसके दो पैटर्न हैं। फर्स्टली, या तो हम हमारी प्रिपरेशन के साथ साइमल्टेनियसली रिवीजन को लेके चले, या प्रिपरेशन ये सिलेबस कवर होने के बाद हम हमारा रिवीजन करें। तो ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर या हमारे पढ़ने के तरीके या स्टडी पैटर्न पर। सो अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करें एंड हमारी प्रिपरेशन को एक फाइनल स्टेप पर लेके आएंगे। दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मैक्सिमम सॉल्विंग practice paper solutions. So I think so. I have tried to clear many confusions and doubts of my students. अब मैं अपने वीडियो में या अपने चैनल में मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी विल कम टू द रिविजन पार्ट। रिविजन पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे ताकि कहीं भी हम पीछे ना रहें हमारे टारगेट अचीव करने को। देन कम्स आफ्टर क्वेश्चन सीरीज वी विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम प्रीवियस पेपर। जितने भी वेबसाइट पर या आरपीएससी की पोर्टल पर जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनको सॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन एबल टू अचीव आर टारगेट। मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रेड वन के लिए, ग्रेड टू के लिए, रीट के लिए, केवीएस के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें बायोलॉजी और साइंस एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस है। सो आई थिंक सो आई हैव ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।